नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पे तिल और मूढ़ी के लड्डू तो हर बार ही बनाते हैं, तो क्यों न अब की बार कुछ अलग बनाते हैं। चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं डालिया बादाम की चिक्की। सबसे पहले एक कप डालिया को कढ़ाई में डालकर हल्का सा रोस्ट करेंगे। देखिए, दो मिनट में ही डालिया का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें आधा कप रोस्टेड पीनट डालेंगे और हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब गैस को करते हैं बंद। अब उसी कढ़ाई में 3/4 कप गुड़ और 2 चम्मच पानी डालकर गुड़ को मेल्ट करेंगे। देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। इसके लिए कटोरी में पानी लेंगे और इसमें 2-3 बूंद चाशनी की डालेंगे। देखिए, चाशनी की गोली बनकर एकदम कड़क हो जाए, इसका मतलब चाशनी एकदम परफेक्ट है। अब गैस को करते हैं बंद और बंद करने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ डालिया और बादाम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप डालना चाहो तो इस समय आधा चम्मच घी भी डाल सकते हो। अब इस मिश्रण को मैं दिल शेप वाले मोल्ड में जमा रही हूँ और आधे की चिक्की बनाऊंगी। चिक्की को मैं घी से ग्रीस लगी हुई थाली में जमा लूंगी। दोस्तों, इस प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो मिश्रण कड़ा हो जाएगा। देखिए, मैंने इसे जमा दिया है। अब इसे 10 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुका है, अब इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए, चिक्की एकदम कड़क हो चुकी है और आसानी से डीमोल्ड भी हो रही है। अब करते हैं इसे सर। देखिए, दोनों तरह की चिक्की खाने को तैयार है, तो आप भी इस मकर संक्रांति पे बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।